अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूँ। आज सुबह सुबह उठ के जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो शक्ल मेरी देखने लायक नहीं थी, फिर भी गया स्कूल काम करके संडे के दिन। और उसके बाद जब आके जब मैंने अपनी हालत देखी तो बाल बहुत बिखरे थे, तो मैंने कहा चलो अपनी हुलिया दुरुस्त किया जाए। तो गए दाढ़ी छड़ी बनवा के, सारी चीज़ें सेट करके, बाल छल कटवा के, सारी चीज़ें रेडी हुए कि यार कल एक मंडे एक नया एक सेशन जो है वो इससे भी नेक्स्ट मंडे शुरू कर। लेकिन मैंने कहा चलो अपनी हालत तो कम से कम दुरुस्त कर ली जाए। तो फिर आज अपनी हालत थोड़ी सी दुरुस्त कर ली। अब और भी कोई सीन नहीं है, ज़रा बस गए थे कुछ कढ़ाई शढ़ाई के सामान लाए। आज कढ़ाई खाने का थोड़ा दिल कर रहा था तो घर वालों ने पैसे दे दिए कि जाओ भाई कढ़ाई शढ़ाई की चीज़ें लेकर आओ, तो रात को बनेगी कढ़ाई। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कहीं दोस्तों वगैरह किसी के पास चला जाऊँ, लेकिन अब पता नहीं सारे किधर होंगे। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं और इसके बाद देखते हैं फिर कोई सीन बनता है तो वहाँ जाके गपशप लगेंगे, फिर बात करते हैं। चलें आज बहुत अरसे बाद मूड बन ही गया, ट्राउज़र वगैरह पहन लिया और बिल्कुल तैयार हो गया। अभी जो है जिम जा रहे हैं, आज जाके जो है डे वन होगा। ऑलमोस्ट कोई 6 से 7 महीने बाद तो इदरीस ने कहा कि इस बात पर चलते हैं और बस अभी जा रहे हैं तो जाके जिम लगाएंगे। और जिम में आज पहला दिन होगा तो पहला दिन होगा चेस्ट डे, चेस्ट डे के बाद बाकी सारे डे, तो सारी चीज़ें करेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं जाके कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वेट इतना बढ़ गया तो फिर। तो भाई आई एम बैक एट जिम वंस अगेन आफ्टर ऑलमोस्ट 7 to 8 minutes। सो आज की रूटीन क्या होगी, आज 20 मिनट वॉक, उसके बाद डबल प्रेस, इंक्लाइंड, फ्लैट बेंच प्रेस, उसके बाद बाकी देखते हैं। तो आज चेस्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। उस टाइम कज़न आ गया था, अब कज़न आ गया तो फिर मुझे जो है मजबूरन जो है कैमरा बंद करना पड़ा, बस उसके बाद फिर क्या करें। तो बस अभी शुरू करते हैं पहले अपनी जो है मज़े से वॉक, उसके बाद जो है बाकी बात करेंगे। पहले जो टेस्ट जो चीज़ होगी और चीज़ जो टेस्ट होगी वो ये कि स्टेमिना है या नहीं। अब इस पर जो है भागेंगे 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद देखते हैं क्या बनता है। भाई तो ये वेट है 103, ऐसे पहले तो 105 था, अभी इतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, मुझे लगा 110 होगा, पर ये तो 103 है। हो गए फ्री, अब जा रहे हैं घर। अच्छा जिम से बस ये था कि मेरे घर वालों को फोन आ गया कि जल्दी आओ, थोड़े मेहमान जो आए हुए हैं, मेहमान को लेके जाना है चाचा के घर, तो फिर उसकी वजह से जो है मुझे अभी जल्दी घर जाना पड़ रहा है। तो मैंने एक्सरसाइज जल्दी खत्म की और जो एक्सरसाइजेस की उसकी वीडियो नहीं बनाई, बस एटलीस्ट ये कि जिम चला गया और जिम से जो है सारे काम दाम हो गए और इतने ही काफी, तो बस थोड़ा अच्छा फैस हो गया। अब ये जो मेहमान आया हुआ है इसको लेके चाचा के घर जाना है, लेकिन कुछ रास्ते से चीज़ें वगैरह लेनी हो मैं खरीद लूँ, अगर यहाँ से एक चीज़ तो मिल जाएगी वो मैं खरीद के फिर आगे जाऊँ। बाकी यार कल से फिर इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज करेंगे और कल लगाएंगे इंशाल्लाह शोल्डर, तो वो शोल्डर की एक्सरसाइज तो जो भी होंगे वो तो साथ करेंगे। लेकिन सीरियसली जिम आके बहुत खुशी, मेरे एक उस्ताद ने कहा था कि फास जब जिम आते हो या फिर एक्सरसाइज करने आते हो, क्योंकि पहले मैं एथलेटिक्स खेलता था, तो उन्होंने बोला देखो तुम घर में बैठते हो कुछ भी नहीं करते हो, अगर तुम पूरे दिन में आधा आधा घंटा दो तो ये आधा घंटा तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। तो मैंने कहा बिल्कुल बेहतर है, तो बस ये उस आधे घंटे के चक्कर में मैं आया हूँ। तो इंशाल्लाह जब स्टेमिना वगैरह बन जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर सही करेंगे। और मैंने और इदरीस ने बहुत कुछ सोचा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर वही करेंगे। यार कभी चाचा के घर आए तो अम्मी ने भेज दिया मुझे चीज़ें लेने के लिए, और ये वो जगह है जहाँ 19 साल तक मैं पला बड़ा और इसी फुटपाथ पे चलता रहा। अब आज जो है वो
चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो गई हैं, और चाचा के घर आए तो फिर भी वही चीज़ है। ओके गाइस, तो मेरे मामू आ जाएं गांव से और आते साथ अपने साथ ये चवड़ भी लाएं, तो कह रहे थे ज़रा पहन के देखो कि इसका साइज़ वगैरह पूरा है या नहीं है। तो मैंने कहा चलो पहन के देख लेता हूँ। यार वैसे साइज़ तो बिल्कुल सही है। कल जो मामू का बेटा आया था उसको मैंने बताया था कि ये साइज़ अभी तो लेकर आया। मैंने उसे कहा भी था कुछ नहीं लेकर आना, लेकिन उसने जो है तो अब ये जो है साइज़ वगैरह बिल्कुल पूरा है सारी चीज़ें। और ज़रा मुझे कोई कमेंट में बता दे कि यार ये चवट कैसे लग रही है। तो मुझे तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। अब इंशाल्लाह कल परसों जब इसको पहनूंगा तो फिर देखते हैं कि कैसी लगती है। तो चलें, बहुत अच्छी बात है कि इंसान की जो है कुछ पहनने में एक एडिशन ही होगी। गाइस, तो आज का ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में बस ये था कि जिम गए, और जिम गए खैर से जो है आज तकरीबन कुछ 6-7 महीने बाद या तकरीबन एटलीस्ट 5 महीने बाद जिम गया हूँ। और जिम जब गया हूँ खैर से बस शुक्र है पहला दिन गुजरा। थोड़ा टफ था, स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं था। और पहले ये सीन था कि जब मैं ट्रेडमिल पे भागता था 10 मिनट, तो 10 मिनट भागने के लिए जिम मतलब एटलीस्ट मेरा स्टेमिना इतना था कि मैं 2 मिनट बाद मतलब 2 मिनट की वॉक करने के बाद जब शुरू करता था 10 की स्पीड पे, मैं तकरीबन कोई 11-12 की स्पीड तक भागता, मतलब 11 मिनट मतलब 10 मिनट भागता था डायरेक्टली। और उसमें मैं ये भी करता था कि बीच में अक्सर जो है 12 की स्पीड कर देता था। तो 12 की स्पीड करने के बाद बहुत अच्छा होता था। ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 9:30 मतलब 9:30 पे मैं 1 माइल क्रॉस कर लेता था, लेकिन आज तकरीबन 12:40 लगे। तो ये टाइम खैर डिक्रीज़ होता जाता है, थोड़ा सा स्टेमिना बन जाएगा फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बाकी जो है डम्बल वगैरह तो वही है कि नॉर्मल 7.5 किलो के बिल्कुल नॉर्मल, और बाकी वेट बस 30 kg तक ठीक था। तो बस ये इतना खैर से गुजर गया। अब कल जाके थोड़ा फिर, क्योंकि पहला वीक है, पहले वीक में जोर बिल्कुल भी नहीं मारना वरना दर्द निकलेगा, इंजरी होने के चांसेस होते, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो चले आज का ब्लॉग ये एंड करते हैं। कल फिर इंशाल्लाह कल स्कूल जाके सारी चीज़ें करेंगे, फिर उसके बाद जो है कल जिम भी जाएंगे, और कल देखते हैं आमाद के साथ कोई रात का सीन है, अगर कोई सीन बन गया तो ठीक है, वरना फिर इंशाल्लाह फिर बाकी देखें। तो चले आज का ब्लॉग करते हैं। दुआ करता हूं आपके आपके घर वालों के लिए, आप मेरे घर वालों की दुआ करें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई कल एक ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।